अंकल विंडो विंडो। तो गाइस पिछली ब्रेक है ना मेरी, उसके साथ थोड़ा सीन हो गया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली मेरा ब्रेक लीवर जो था ना वो अंदर से टूटा हुआ था। ये देखो भाई स्कूटी ना मेरी पूरी वॉश हो रही है। ओ भाई गिर गया गिर गया गिर गया बंदा। गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी रेड डेविल की सर्विस करवाने के लिए, तो आई होप सर्विस के बाद तो माइलेज है इसकी वो अच्छी देखने को मिले। तो उम्मीद तो यही है भाई, अब देखते। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, हो सका तो गाइस देखेंगे आज इसका टायर वगैरह भी चेंज करवा देंगे अगला, क्योंकि अगला टायर ना इसका पूरा ख़त्म हो चुका है भाई। जो जो मुझे दिक्कतें आ रही है ना भाई इसमें, अब देखते हैं कि सर्विस के बाद वो सारी ठीक होती हैं कि नहीं होती हैं। सबसे जो बड़े वाला मसला है ना स्कूटी में वो है तेल का मसला यार। तेल ना इसमें रुक ही नहीं रहा भाई। तो मुझे लगता है कुछ इसमें न्यू पार्ट्स भी इंस्टॉल होने वाले हैं शायद आज। तो अभी मैंने लंच भी नहीं किया है भाई, भूख भी लगेगी क्योंकि सर्विस में आने टाइम लगने वाला है। क्योंकि जाके ना पहले सर्विस कार्ड भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। अगर ज़्यादा काम हुआ ना फिर मुझे इसको वहीं पे छोड़ के ना आना पड़ेगा भाई। ओ भाई गिर गया गिर गया गिर गया बंदा। रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि रॉन्ग साइड से ना शोरूम ऐसे पास पड़ता है, अदरवाइज़ आगे से जाएंगे तो काफ़ी दूर से आना पड़ेगा भाई। भैया जाऊँ कहाँ से मैं, यहाँ से तो पूरा रास्ता ही बंद है भाई। तो गाइज़ ये रहा अपना TVS का सर्विस सेंटर, देख रहे हो सर्विस सेंटर कितना खतरनाक है भाई। यार बस आज रश नहीं होना चाहिए ज़्यादा। बता रहा हूँ भाई को भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये बोल रहे लगभग 3 बजे तक आना अंदर। आज ना मेरे को ज़्यादा शूट करने नहीं दिया कंपनी में अंदर। ओ भाई आराम से आराम से, रब पानी पड़ गया यार। तो अभी स्कूटी भी मेरी ना वॉश हो रही है अंदर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई स्कूटी ना मेरी पूरी वॉश हो रही है, तो अभी सर्विस वगैरह पूरी ओके हो गई है। तो गाइज इसकी सर्विस वगैरह डन हो चुकी है, और सर्विस के बाद ना सबसे पहला पॉइंट मतलब जो ना सबसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं सर्विस करवाने के लिए इसको ला रहा था ना तब इसमें फ्यूल एम्प्टी शो कर रहा था, और सर्विस के बाद मैंने अभी पेट्रोल नहीं डलवाया तब भी ना 2 पॉइंट शो कर रहा है भाई। इससे साफ जाहिर होता है कि भाई हमारी सर्विस ना एकदम ओके रिपोर्ट हुई है भाई। अभी ना स्कूटी धोई है और पूरा गीला गीला, इसलिए आपको ऐसा थोड़ा दिख रहा होगा कि थोड़ा पानी पानी। तो चलते थोड़ा सिद्रावली साइड में गाइस, चक्कर वगैरह लगाते सिद्रा का और पता भी लग जाएगा कि एकदम। तो गाइस पिछली ब्रेक है ना मेरी, उसके साथ थोड़ा सीन हो गया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली मेरा ब्रेक लीवर जो था ना वो अंदर से टूटा हुआ था, अंदर से जो ब्रेक की तार थी ना भाई वो भी डैमेज हो गई थी। उसके कारण ना मैं जब भी नए वाले ब्रेक शू डलवाता था ना तो वो अब किसी तरह क्या होते थे ख़त्म हो जाते थे भाई। पहले जाना भाई इसका टायर पता करने के लिए फ्रंट वाला, आप लोगों को जैसे मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में दिखाया था कि अगला टायर की हालत क्या है भाई। तो क्या बात है यार, सर्विस के बाद ना एकदम मतलब मक्खन ही चल रही है यार। गाड़ी को ना सर्विस टाइम टू टाइम करवा देनी चाहिए, वरना छोटी छोटी चीज़ें ना आगे जाके काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट कर सकती हैं। ये वाला इसका कितना बोला था? 2000। ठीक है भैया, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, डेली डेली व्लॉग्स डाल रहा हूँ। सो गाइस आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो। क्या बात है यार, है ना, अब थोड़ा इसमें पावर मेरे को ना फील हो रही है पहले से ज़्यादा। पहले तो ऐसे लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, मतलब मैं इसको ज़बरदस्ती ना भगा रहा हूँ। क्या बात है यार, अब मज़ा आ रहा है यार इसको भगाने का, सच बता रहा हूँ मैं यार। अभी कंपनी वालों ने बिना कंपनी वालों ने मेरे को एक चीज़ और बोली है कि अभी आप लोगों को पता है मेरी स्कूटी जो है वो अभी ना मतलब सर्विस सेंटर वालों ने मेरे को बोला था कि जब तुम्हारी स्कूटी जो है वो 24,000 किलोमीटर चल जाएगी ना, मतलब तुम्हारी जो नेक्स्ट वाली सर्विस है उसमें क्या होगा कि तुम्हारी ये जो क्लच प्लेट, तुम्हारा ये जो क्लच वाला पूरा सिस्टम होता है ना मतलब स्कूटी में, कि वो पूरी तुम्हें चेंज करवानी पड़ेंगी। उसमें कॉस्ट ना लगभग कुछ 6,000 रुपये है, ठीक है। तो फिर वो मुझे अब 24,000
तो जब जो हमारी स्कूटी ना गाइस 24,000 किलोमीटर चलेगी ना, तब हम वो वाली इसकी सर्विस करवाएंगे। क्या बात है गाइस, अभी ना मैं ज़्यादा लीन नहीं कर रहा यार, क्योंकि जब से मैंने टायर देखा हुआ ना इसका, मेरी समझ रहे हो हालत वैसी नहीं है, मैं डर लगता है यार सच में। फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ गाइस। मतलब उतना नहीं किया मैंने, मतलब जितना होता है ना, आप लोगों को पता है ये वाला मोड़ जो है वो पूरा मैं बाहर जाके कवर करता हूँ। अंकल विंडो विंडो बारी खुली है, बारी यार आप लोग भी ना मतलब ध्यान रखा करो, जब अपनी गाड़ी वगैरह बंद करते हो ना तो विंडोज़ का ना ध्यान रखा करो कि विंडोज़ आपकी प्रॉपर तरीके से बंद है कि नहीं। इस साइड पे ना आंटी बैठे हुए थे, अगर अंकल थोड़ा सा अगर अंकल थोड़े से तेज़ होते ना फिर सीन हो जाता भाई। क्या बात है गाइस, एक नंबर कॉर्नरिंग हो रही है। और अभी मेरे को इतने सारे राइडर्स मिल रहे हैं ना भाई, इतने अभी ना मैं यहाँ पे खड़ा था और मेरे सामने से ना मेरी ड्रीम बाइक गई है, मतलब RC 390। हर गाड़ी में ना एक प्लग होता है ठीक है, और जो मेरी स्कूटी में प्लग था ना भाई वो पूरा सड़ चुका था, और उसकी वजह से ना मुझे एवरेज बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो आप लोग भी ना ये चीज़ का ध्यान रखा करो कि जब आप सर्विस वगैरह करवाते हो ना तो आप उनको बोलो कि हम जो प्लग है ना उसको अच्छे से साफ़ कर दें, क्योंकि अगर प्लग आपका गंदा हो जाएगा ना तो उससे क्या होगा कि आपकी एवरेज जो है ना वो पूरी की पूरी एवरेज पूरी घट जाएगी भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो शोएब भाई? और आज भूल बाहर निकाली? भूल तो बाबा बोले क्या आज क्यों अच्छा मुझे लगा सेल कर रहे हो। ये पूरा हीट अप होते होते ना वो सारा पिघल गया मेरे को, मुझे पता ही नहीं लगा। तो आप लोग ना मुझे काफ़ी देर से कमेंट कर रहे थे कि माइलेज पे कंटेंट डालो, एक्चुअली मेन मसला यही था क्योंकि मुझे माइलेज मिल ही नहीं रही थी एवरेज, तो मैं कंटेंट क्या डालता। अब मैं आप लोगों को अगर झूठी बता देता, ओ भाई ले गया था ये मुझे बस वाला, भाई देख रहे हो इन बस वालों की हालत भाई, ओवरटेक देख रहे हो कैसे चल रहे हैं भाई बस के। बाइक की तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगी। क्या हो गया यहाँ पे भाई, पुलिस वाले भी खड़े हैं यहाँ पे। तो गाइस रही बात बाइक की, तो बाइक भी इंशाल्लाह आ ही जाएगी, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी मेहनत से ना अपनी खुद की जो बाइक है ना वो खरीदूँ, तो कि मैं इसी स्कूटी से ना अपनी बाइक खरीदूँ ठीक है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा। क्या बात है गाइस, ट्रैफिक देख रहे हो आगे कितना सही लगा हुआ। क्या बात है यार। सो गाइस कैसा रहा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्रीवियस वीडियोस जाके देखो भाई, आप लोगों को पता लगेगा कि भाई तुम्हारा कब से मेहनत कर रहा है इस फील्ड में। बाकी यार इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो ना, मतलब दिल से थैंक यू यार तुम सब लोगों का। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़। ओहो बंदा स्किल्स दिखा रहा मुझे, हाँ क्या बात है यार, मैं तो वीडियो एंड कर रहा था। ओके मेरी जान चल। क्या बात है यार देख रहे हो, मैं तो यार वीडियो एंड करने लगा था, ये मुझे कहीं से मिल गया यार। बंदा देख रहा है पीछे पीछे लगा हुआ हूँ मैं इसके।
सो गाइज आ गया यहाँ पे ट्रैफिक, तो देखो लोंडा हमारा कैसे निकल रहा है ट्रैफिक में से। ओ भाई ठुक नहीं जाना कहीं पे। क्या बात है यार, मेरी जान आराम से आराम से। यार ये रॉन्ग साइड चल रहा है यार, अगर मैं आया इसके पीछे चलता रहा ना इसको पता नहीं फिर मिर्चियाँ लगेगी ये और कुछ कर देगा भाई। तो मैं निकलता हूँ घर यार वापस। थैंक यू सो मच भाई कंटेंट देने के लिए। तो